फोटोनिक्स की तरफ से एक और वायरलेस कीबोर्ड आ चुका है बबल डॉक के नाम से, और ये कुछ इस तरीके से बॉक्स में आता है, छोटा सा स्लिम सा। इसके साथ में आपको मिलती है एक टाइप सी यूएसबी वाली केबल, जिसकी मदद से आप इसको रिचार्ज कर सकते हैं। ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसका लुक दिखा देता हूँ। बहुत ही अच्छे राउंड शेप के इसमें कीज़ दिए हुए हैं, नॉइज़लेस हैं, कीज़ को दबाने से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती है, नॉइज़ प्रूफ है, सॉफ्ट है। और देखिए, इसके साथ में आपको आता है ये वायरलेस डोंगल। अब ये तो एक बेसिक सा एक वायरलेस कीबोर्ड है कि आप इसको सिंपली डोंगल जिसके साथ में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको आपको सबसे पहले यहाँ ऑन ऑफ का एक प्रेस दिया है, इसमें आपको ऑन करना पड़ेगा। फिर इसके बाद बीटी पे आपको यूज़ करना है या 2.4 गीगाहर्ट्ज़। जो मैंने डोंगल लगाया है इसको बोलते हैं 2.4 गीगाहर्ट्ज़। आप जैसे ही इस पर रखेंगे तो ये देखिए कीबोर्ड, यहाँ आप टाइपिंग देख सकते हैं, टाइपिंग स्टार्ट हो गई है, ये वर्क कर रहा है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे बीटी से इसको यूज़ करना है, तो आप चाहें तो डोंगल लगा भी रह सकते हैं, इसको हटा भी सकते हैं। आपको ये मोड लाना है कीबोर्ड का बीटी पे। बीटी पे आप जैसे ही लाएंगे गाइस, उसके बाद यहाँ पर एक ग्रीन कलर की लाइट यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। ये ग्रीन कलर की इस तरह से लाइट आ जाएगी गाइस। अब आपको ये पेयरिंग मोड पे आ गया है। इसमें दो ब्लूटूथ हैं गाइस, एक के लिए आपको फंक्शन F1 लॉन्ग प्रेस करके रखना है। तो इसमें पहला पेयरिंग मोड आ जाएगा, आप इसको पेयर कर सकते हैं इजीली अपने लैपटॉप से, कंप्यूटर से। और दूसरे वाले से करना है तो BT2 जिसको बोलते हैं, उसके लिए आपको लॉन्ग प्रेस F2 करना पड़ेगा। इस तरीके से आप दोनों को पेयर कर सकते हैं एट अ टाइम, अपने PC से, टैबलेट से और आपके लैपटॉप से, तीनों से आप कनेक्ट करके इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो फ्रेम दी हुई है, इस फ्रेम में आप अपना चाहें तो होल्ड कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन या अपना टैबलेट। बेसिकली तो टैबलेट के लिए रहता है, लेकिन आप कुछ भी यहाँ पर होल्ड करके आराम से टाइप करके छोटा सा PC भी बना सकते हैं। तो मल्टी डिवाइस कनेक्टेड एक ये सपोर्टेड कीबोर्ड है गाइस, बहुत ही अच्छी डिज़ाइन है और लाइट वेट है। आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, राजशिव अवेलेबल है। थैंक यू गाइस।